अस्सलाम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या है हेयर लॉस रिकवर करने का तरीका। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो किस टाइम पे आपको ध्यान देना चाहिए, और जो है कि टाइमिंग का इस पर क्या मसला होता है, टाइमिंग का क्या असर होता है। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है तो आप जो है कि किस तरह से अपना हेयर लॉस को इम्प्रूव कर पाएंगे, किस तरह से अपना हेयर को बचा पाएंगे, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो का पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इसका बाल खुद झड़ चुका है, ये कैसे जो कि हेयर लॉस का उपाय बताएगा। दोस्तों, जिसके साथ जो मसला हो चुका होता है उसको काफ़ी सारा अनुभव होता है, और उसी तरह से मैं जो कि अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आपका स्टार्टिंग फेज का हेयर लॉस है, यानी कि अभी फ़िलहाल आपका बाल झड़ना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे बाल आपका झड़ रहा है, उसके बाद जो बाल नया आ रहा है वो बाल पतला रह रहा है, वो बाल उतना मोटा नहीं हो पा रहा, वो बाल जो है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा, यानी कि बाल आपका थिनिंग हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, बाल पतला हो रहा है, तो वही मेन टाइमिंग है दोस्तों आपको अपना हेयर पे केयर करने का। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे, जैसे मैंने इग्नोर किया था 6-7 साल पहले जब मेरा हेयर थिनिंग स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम में मुझे लग रहा था कि बाल जब ज़्यादा झड़ जाएगा तो मैं जो कि इसका उपाय कर लूँगा, कोई अच्छा सा शैम्पू इस्तेमाल कर लूँगा, कुछ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। उस टाइम पर मैंने केयर करना जो है कि सही नहीं समझा, या फिर मैंने केयर नहीं किया। काफ़ी टाइम के बाद जब काफ़ी हेयर लॉस हो चुका था, काफ़ी हेयर थिनिंग हो चुका था, बालनेस 5-6 ग्रेड का हो चुका था, उसके बाद मैं जो है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले मिनोक्सिडिल इस्तेमाल कर रहा था, ये मोर है 5% इस्तेमाल कर रहा था, जबकि कुछ हद तक रिजल्ट आया था, उसके बाद मैंने इसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया था, फिर से जो कि बालनेस हो गया। उसके बाद काफ़ी हेयर लॉस हो जाने के बाद, पूरा बालनेस हो जाने के बाद मैं जो है कि ये न्यू हेयर लॉस इस्तेमाल किया था, और इसका इस्तेमाल करने के बाद जो है कि काफ़ी हद तक फिर से हेयर आया था, मगर प्रॉब्लम ये था कि हेयर जो है कि पतला हेयर आया था, काफ़ी पतला हेयर आया था, मोटा हेयर नहीं आ पाता। जहाँ जहाँ पे हेयर का फोलिकल्स बचा था वहाँ पे हेयर तो आया था, और जहाँ पे ये फ्रंट एरिया में हेयर का बिल्कुल फोलिकल्स नहीं बचा था यहाँ पे हेयर नहीं आया था, बाल बिल्कुल भी नहीं आया था, ये न्यू हेयर लोशन का इस्तेमाल करने के बावजूद भी बाल नहीं आया था। इनिशियल स्टेज में ही आपको क्या करना होगा कि डर्मा रोलर का इस्तेमाल करना होगा। शुरू में जिस टाइम पे आपका हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा गंजा हो गया उसके बाद मैं डर्मा रोलर को घस रहा हूँ तो कुछ खास ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में जब हेयर थिनिंग हो रहा होता है उसी टाइम में आपको डर्मा रोलर इस्तेमाल करना होगा, और जो है कि आपको मिनोक्सिडिल कम से कम दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। उस टाइम में अगर आपका बाल जो है कि DHT की वजह से हो रहा है, और DHT की वजह से कैसे आपका बाल झड़ रहा है, अगर ये चीज़ का पता करना है तो काफ़ी सारा जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका पेरेंट्स में, आपका अगर ख़ानदान में किसी का हेयर लॉस हुआ है, मेल पैटर्न बालनेस अगर हुआ है किसी का, और आपका बाल जो कि हेयर थिनिंग स्टार्ट हो चुका है, या फिर आपका बाल धीरे धीरे पतला हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आने वाला 2-4 साल 5 साल के बाद आप जो है कि इसी तरह का, उसी टाइप का आपका भी हेयर लॉस होने वाला है, उसी तरह से आपका भी गंजापन होने वाला है, तो उसी टाइम से आपको जो है कि डर्मा रोलर स्टार्ट कर देना है। हेयर थिनिंग के टाइम में मिनोक्सिडिल 5% और जो कि डर्मा रोलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी कोई भी डर्मालोजिस्ट से मिल करके आप उसका सलाह मशवरा के हिसाब से आप अपना हेयर का केयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपका हेयर लॉस ज़्यादा हो जाता है, अगर आपका हेयर लॉस 5-7 ग्रेड तक का हो जाता है, काफ़ी सारा टकलापन अगर नज़र आने लगता है, तो उस टाइम में आप कुछ भी इस्तेमाल करेंगे वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत बाल आएगा भी तो बाल जो है कि पूरा कम्प्लीटली नहीं आएगा। मेरा काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ने के बाद मैं जो कि उपाय ढूंढना स्टार्ट किया था, जिसके वजह से मेरा जो कि कम्प्लीटली बाल ग्रोथ नहीं हो पाया, कम्प्लीटली फिर से वो मोटा टाइप का बाल नहीं आ पाया जैसा स्टार्टिंग में था। बाल आने के लिए आता है, कुछ भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल करेंगे, मिनोक्सिडिल इस्तेमाल करेंगे, डर्मा रोलर इस्तेमाल करेंगे, बाल जो कि पतला बाल आएगा, जिससे जो है कि आपका बालनेस कवर नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ एक उपाय बच जाएगा जो कि ट्रांसप्लांट है, और ट्रांसप्लांट में भी दोस्तों आपका डोनर एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बाल जो कि अगर आपका यहाँ पे इम्प्लांट करेगा तो उसके बाद आपका स्किन नज़र नहीं आएगा, उसके बाद जो कि आपका बालनेस रिकवर हो पाएगा अगर आपका डोनर एरिया सही रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।